पजल वर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम तीन मजेदार डोर एस्केप रिडल सॉल्व करेंगे। ये पहेलियां तीन लेवल में डिवाइडेड है। पहला लेवल इजी है, दूसरा लेवल मीडियम है और तीसरा लेवल हार्ड है। तो देखते हैं आप इनमें से कितनी पहेलियां सॉल्व कर पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। एक बार एक किडनैपर राहुल को किडनैप कर लेता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। किडनैपर उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अब तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें तीन दरवाजे देता हूँ, इसमें से हर दरवाजे के पीछे मौत है। अब तुम्हें चुनना है कि तुम कैसे मरना चाहते हो। पहले दरवाजे के अंदर खूंखार भालू है जो तुम्हें मार डालेंगे। दूसरे दरवाजे के अंदर एक गन है जिससे तुम्हें खुद को मारना है। तीसरे दरवाजे के अंदर भूखे भेड़िए हैं जो तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। तो दोस्तों अब आप बताइए कि राहुल को वहाँ से निकलने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल को दूसरे नंबर का दरवाजा चुनना चाहिए जिससे वे वहाँ से गन उठाकर किडनैपर को मार सकता है और आसानी से वहाँ से निकल सकता है। आपका क्या आंसर था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब मीडियम लेवल की पहेली सॉल्व करते हैं। एक सुबह आप उठते हैं और अपने आप को एक अनजान घर में कैद पाते हैं। वहाँ चारों तरफ जंगल दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपको किडनैप कर लिया है, पर आप नहीं जानते कि वो कौन है और इस समय आप कहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर चार दरवाजे प्रकट होते हैं जिसमें से एक दरवाजा सेफ है और उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे भूखी चमगादड़े हैं, दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीली मकड़ियां हैं, तीसरे दरवाजे के पीछे खतरनाक लोमड़ियां हैं जो आपको तुरंत मार डालेंगी और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीले सांप हैं। अब आपको बताना है कि आप इन चारों में से कौन सा दरवाजा चुनेंगे जिससे आप यहां से बाहर निकल सके। हमें अपना आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको पहला दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि चमगादड़ केवल रात को ही शिकार करती है और दिन में सोती रहती है और अभी सुबह का वक्त है तो आप आसानी से इस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। तो आपने क्या सोचा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब हार्ड लेवल सॉल्व करते हैं। एक बार एक पागल किडनैपर आपको और तीन दूसरे लोगों को किडनैप कर लेता है। ये आप हैं, ये आपके दुश्मन की लड़की है, ये आपका बॉस है और ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। किडनैपर सभी को एक रूम में बंद कर देता है जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर लगे स्क्रीन पर किडनैपर आता है और कहता है कि ये रूम 30 सेकंड में बम के धमाके से उड़ जाएगा। तुम सब इन शेल्टर्स में छुप सकते हो और बच सकते हो। ध्यान से देख लो, ये है वो शेल्टर्स जिसमें तुम छुप सकते हो और इस धमाके से बच सकते हो। लेकिन यहाँ केवल तीन ही शेल्टर्स हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम में से कौन मरेगा और कौन बचेगा। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब आपको बताना है कि ये सब लोग कैसे बचेंगे। क्या किसी को बाहर छोड़ना पड़ेगा या सभी लोग शेल्टर्स में आ जाएंगे। अपना आंसर हमें जल्दी से नीचे कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आप सभी को बचा सकते हो। आपका बॉस एक शेल्टर्स में फिट हो जाएगा, आपके दुश्मन की लड़की और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों पतली हैं, ये दोनों एक ही शेल्टर्स में एडजस्ट हो जाएंगी और बाकी बचे शेल्टर में आप एडजस्ट हो जाएंगे तो इस तरह से सब बच जाएंगे। तो आपने क्या सोचा था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने कितनी पहेलियों का सही उत्तर दिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इन पहेलियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और देखें वो इनका आंसर दे पाते हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।